सो वॉट एग्जैक्टली सेल्फ लव? सेल्फ लव मीन्स कि आप खुद को इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली सपोर्ट करें, अपने हैप्पीनेस के प्रति काम करें. आप जैसे भी हैं फिजिकली, मेंटली, अपने आप को, खुद को बेस्ट समझें, अपना बेस्ट वर्जन समझें. जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं, इट डजंट मैटर, नॉट एट ऑल. अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा. एंड जब आप अपने में हैप्पीनेस पाना स्टार्ट कर देंगे तो आप बाहर हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं. यू कैन लुक आउट फॉर अ पार्टनर, बट स्टार्टिंग पॉइंट इस जर्नी का, किसी भी मैच मेकिंग जर्नी का, हैज टू बी फ्रॉम सेल्फ लव. लव योरसेल्फ, खुद को प्यार करें. सो व्हाट आर द 5 वेज टू प्रैक्टिस सेल्फ लव? नंबर 1, फॉरगिव योरसेल्फ. नंबर 2, सेट बाउंड्रीज. नंबर 3, protect yourself. Number 4, show up for yourself. And number 5, the 5th point is, be mindful. Be very mindful of your being. Forgive yourself. खुद को माफ करें. As an individual, हम सब से काफी गलतियां होती हैं. कई ऐसे incidents होंगे जिनके बारे में we feel embarrassed. हर टूटी हुई चीज जोड़ी जा सकती है. कई चीजें होंगी जहाँ पे हमें खुद एहसास होता है कि शायद हमने कुछ गलतियाँ की. इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स, इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्सनल लाइफ. इट कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क प्लेस. चाहे जो भी सिस्टम है, जो भी प्लेस है, आपको सीखना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को माफ करना सीखना है. जब जिस दिन से आपने खुद को माफ करना सीख लिया, उस दिन से आप काफी फ्री महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, और जो आपकी सेल्फ लव की जर्नी होगी उसमें बहुत आगे तक जाएंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज? बाउंड्रीज 3 किस्म के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल बाउंड्री ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसिंग में कंफर्टेबल हैं, हैंड होल्डिंग में कंफर्टेबल हैं, बट यू आर नॉट ओके विद हैविंग सेक्स. नहीं, मैं बस क्लियर कर रही हूँ, तुम्हें कोई रॉन्ग सिग्नल है मुझे. स्टेशन पर मैंने तुम्हें हग किया और कहा किसी होटल पे चलते हैं, पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी. मेक इट क्लियर टू योर पार्टनर. दूसरा, फाइनेंशियल बाउंड्री हो सकती है. आप अपने फ्रेंड को मान लीजिए 1,000 रुपए देने में कंफर्टेबल हैं, बट उसके बियॉन्ड आप लोन नहीं देना चाहते. मेक इट क्लियर टू योर फ्रेंड्स. नंबर 3, इंटेलेक्चुअल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, ये आपकी बिलीफ सिस्टम के रिगार्डिंग हो सकता है. आप रिलीजियस हैं, आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना बहुत पसंद है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपका पार्टनर है वो अथेइस्ट है, उसको नहीं पसंद है ये सब चीजें. कौन है? भगवान. भगवान. You have to make it very clear कि this is your belief system and उसमें आप interference नहीं बर्दाश्त करेंगे. खुद को protect करें, इसका क्या मतलब होता है? तुम बहुत बड़ी कार्टून हो, पता है तुम्हें? हो सकता है, मगर मुझे कराटे आता है. तो? बस बता रही हूँ, brown belt हूँ मैं. इसका मतलब होता है कि आपकी जो surroundings हैं, जो आपने सर्कल बनाया हुआ है लोगों का, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कीप द पॉजिटिव पीपल इन एंड कीप आउट द नेगेटिव फोक्स. यू वर राइट. देखा, और सच बताऊं मैं तुम्हें, दिखने में बुरे नहीं हो तुम, हैंडसम हो यार. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग आपकी मेंटल वेलबींग को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हर चीज में आपका साथ देते हैं, आप उनसे क्लोज रहें, और जो आपकी लाइफ में मिजरी ब्रिंग करते हैं, आपको दुखी करते हैं, हर चीज में आपको दबाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, ऐसे किस्म के लोगों से दूर रहिए.
जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सेल्फ लव की जर्नी में आपका तीसरा चौथा कदम आगे बढ़ जाएगा। शो अप फॉर योरसेल्फ। शो अप फॉर योरसेल्फ का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए सेट आउट करते हैं और आपको पता है कि आपने तहे दिल से लगन की, मेहनत की, अच्छे तरीके से परिश्रम की, तो जो भी आउटकम हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उस पे ध्यान ना दें। अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, खुद को समझें, सोचें कि आपने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा सर। यूजुअली क्या होता है कि हम जब सक्सेस गेन करते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब हम फेलियर की तरफ बढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने आप को संतुलित रखिए और अपने लिए हमेशा शो अप कीजिए, खुद को समझिए, खुद को मानिए और खुद से प्यार कीजिए। बी माइंडफुल। माइंडफुल का क्या मतलब होता है कि आप असेस करें कि लाइफ में आप क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं, एंड उन गोल्स को आप खुद के लिए अचीव करना चाहते हैं या किसी सोसाइटल पेरेंटल प्रेशर के अंदर अचीव करना चाहते हैं। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? और फोकस कहाँ करेगा आज में? अजीब दोस्त मिले हैं यार, एक डर डर के जीता एक साला मर मर के। फॉर एग्जाम्पल शादी। कई बच्चे होते हैं जो शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, बट पेरेंट्स के प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर में शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, बाद में दुखी होते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को रीअसेस करें और एक डिसीजन लें कि वो गोल्स आपके लिए आपने खुद से बनाए हैं या किसी दबाव में बनाए हैं, और जो भी गोल्स आपने दबाव में बनाए हैं उनको हटा दें। माइंडफुलनेस जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा खुश रहना। आजकल कई सेलिब्रिटीज हैं जो सेल्फ लव के काफी बड़े सपोर्टर्स हैं। द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटीज आर अडेल, लिजो, रिहाना, केट विंसलेट। ऑल दीज फोर वीमेन हैव अ बॉडी पॉजिटिविटी इमेज, एंड ये हमें सिखाते हैं कि नो मैटर आप कितने बड़े लंबे हो, चौड़े हो, छोटे हो, पतले हो, फर्क नहीं पड़ता है, खुश रहो, आप काफी आगे तक जाओगे। The fifth notable celebrity is Taylor Swift. She teaches us कि no matter what happens in life, आप प्यार पाते हो, आप प्यार खोते हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओ, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव के जो प्रिंसिपल्स हमने बताए उनको प्रैक्टिस करें, आप एक अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे, खुद को खुश महसूस करेंगे। एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट मोर सच कंटेंट। थैंक यू।